कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घटिया पार्टी है और बहुत ही घटिया स्तर पर उतर के आ गई है और ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, जनता उससे परेशानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है क्योंकि ये झूठ बोले हैं। अगर बात करना चाहिए था उनको, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करना चाहिए था। और बात कहां पर आ गई, हमेशा उनको चिंता रहती है परिवारवाद। अब बताओ वो बाबा जी की भी नहीं चल रही, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कोई बात चल नहीं रही है। और वो हमसे कहते थे कि उनको तो चूरन मिलता है, चूरन मिला है। अगर मुझे चूरन मिला है तो उस चूरन ने कई लोगों का और कई शक्तियों का हाजमा दुरुस्त कर दिया है। आज हम आप सब लोगों से, खासकर जसवंत नगर के लोगों से, वोट की अपील करने आया और उनसे प्रार्थना भी करने आया। ये चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घटिया पार्टी है और बहुत ही घटिया स्तर पर उतर के आ गई है। आपने देखा है कि झूठ भी बोलती है और झूठ के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित भी करती है और ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, जनता उससे परेशानी हुई है। अब इनके निर्णय से, अच्छा कोरोना से लेकर के, कोरोना जब आया था याद कर लिया करो, इनकी सब हरकतों को याद कर लिया करो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के झूठ और इनकी हरकतों को हमेशा याद रखना चाहिए। खैर जसवंत नगर के लोग तो हमेशा याद रखते हैं, जब भी चुनाव आता है तो उनको दिखा भी देते हैं और अब की बात तो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है क्योंकि ये झूठ बोले हैं और झूठ बोलने के साथ साथ 10 साल और 7 उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने जितने भी वादे किए थे उन वादों में से एक भी अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। हम पूछना चाहते हैं आप सब लोगों को, वादे याद हैं, याद रखा करो। आज हम उन वादों पर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम तो रोज बोलते ही रहते हैं। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं,
लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। और आज इस भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट खड़ा किया है, और देश के सामने ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी, खासकर किसान, गरीब, नौजवान और यहां तक कि महिलाओं से लेकर के अगर बात करना चाहिए था उनको, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करना चाहिए था। और बात कहां पर आ गई, बात कहां पर आ गई, हमेशा उनको चिंता रहती है परिवारवाद, परिवारवाद। तब हम कहना चाहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर नेताजी के परिवार पर कटाक्ष करोगे उतने ही ज्यादा मार्जन से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर जसवंत नगर की जनता हराने का काम करेगी। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, एक यहां पर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जसवंत नगर में, कपड़ों से तो लगते थे कि संत हैं, लेकिन लेकिन जो उन्होंने यहां बोला था उससे तो नहीं लगते थे संत हैं। क्या बोला था उन्होंने यहां पर, बोला था हमारे लिए भी, बोला था हमारे लिए, बोला था बेचारे को कुछ नहीं मिला है समाजवादी। तब हम कहना चाहते हैं, उन बाबा जी से कहना चाहते हैं, हमें तो सब कुछ मिला, बताओ हमें कौन सा पद नहीं मिला। हमें छोटे पद से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के 6 बार एमएलए से लेकर के समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष से लेकर नेता विरोधी दल से लेकर के, और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कितनी बार रहे, 35 साल, 15 साल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष, बताओ रहे, बताओ कितने पद रहे, कोई बचा पद। और उत्तर प्रदेश कैसे चलाया बताइए, कोई काम रुकता था? अब बताओ, वो बाबा जी की भी नहीं चल रही, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कोई बात चल नहीं रही है, और वो हमसे कहते थे कि उनको तो चूरन मिलता है, चूरन मिला है। तब हम कहना चाह रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर मुझे चूरन मिला है तो उस चूरन ने कई लोगों का और कई शक्तियों का हाजमा दुरुस्त कर दिया है, बताओ दुरुस्त। और लेकिन आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलना है, हम जानते हैं यहां से बहुत वोटों से जिताना है।